हेलो एवरीवन। सो टुडे आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। अपने 11th क्लास में पढ़ा था टॉर्क, बट ये डाइपोल की बात है यहाँ पे। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल मतलब रोटेटिंग फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहली बात, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण क्या होगा? टॉर्क मतलब डाइपोल रोटेट करेगी। जब किस में रखते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। तो मैंने ये बना दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल क्लियर बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें एक डाइपोल रख दी, डाइपोल पे एक चार्ज होता है माइनस क्यू, एक चार्ज होता है प्लस क्यू। इसकी डिस्टेंस होती है 2a या 2lb। जब भी डाइपोल, ये डाइपोल मैंने रखी थीटा एंगल से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम डाइपोल को किसी फील्ड में रखते, चार्ज है दो और एक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानी जाती है फोर्स लगाने के लिए, और किस पे? इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, चार्ज चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया QE। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहां माइनस का यूज कर सकते हो, अदरवाइज प्लस का। इस पे लगाया माइनस QE, वेक्टर फॉर्म लिख दी। मैग्नीट्यूड में तो एज इट इज लिखना पड़ता, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो नेट फोर्स जो इस पे लगा यूनिफॉर्म है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या? सेम। नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई, क्या बन गया? जीरो। क्योंकि इस डायरेक्शन में भी क्यू ई, इस डायरेक्शन में भी क्यू ई, नेगेटिव मैंने लिखा तो वेक्टर भी साइन लगाया है, तो नेट फोर्स क्या लगा? जीरो। क्योंकि देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता अपोजिट डायरेक्शन को, और मैग्नीट्यूड में अगर मैं लिखता तो मुझे क्यू ही लिखना पड़ता है। नेट फोर्स क्या बना? जीरो। अब टॉर्क की सबसे बड़ी कहानी क्या है? मेरे पास ये पॉइंटर रोटेट कर सकता है, ये कोई रोड है, एक फोर्स मैंने इधर लगाया सपोज करो 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन ही मैंने इधर, इक्वल एंड अपोजिट है तो रोटेट कर जाएंगे इजिली, टॉर्क बन जाएगा। क्यों? एक लाइन पे नहीं है। अगर बाय द वे यही मैं लगाऊं 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, ध्यान समझा, ये दोनों एक ही लाइन पे है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट भी है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट, ये तो टॉर्क नहीं। क्यों? अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं क्या रोटेट कर जाएगा? नहीं, ऐसे रोटेट कर जाएगा। क्यों? ये दोनों की लाइन एक ही है लेकिन इन दोनों की लाइन क्या है? अलग अलग। तो टॉर्क तभी प्रोड्यूस होता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो और उनकी लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन क्या हो? अलग अलग। सो देयर प्रोड्यूसेस ए कपल ऑफ फोर्स। मैंने एक वर्ड यूज कर दिया कपल, तो यहां पर कपल का मतलब ही क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट, तब मुझे जरूरत नहीं। देखो दो डिफरेंस होता है, एक पेयर एक कपल, हम बोलते हैं ना पेयर ऑफ बर्ड्स, एक कपल ऑफ बर्ड्स। पेयर का मतलब होता है दोनों मेल या दोनों फीमेल, कपल का मतलब होता है एक मेल एक फीमेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां कपल का मतलब अपने आप ही होगा, देयर प्रोड्यूसेस ए कपल ऑफ फोर्स एंड डू नॉट एग्जिस्ट ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। And do not exist on same line of action of force. Same line of action of force पे exist नहीं कर रहे। क्यों? इसकी लाइन ये, इसकी लाइन ये, दोनों की लाइन क्या है? अलग अलग। लेकिन हाँ, उनके बीच कोई भी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो फोर्सेज हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो उनके कारण क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। अब यहां पर एंड डू नॉट एग्जिस्ट ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। So, torque is produced. ऐसे torque produce होता है, right? और torque का जो formula है, magnitude of either force, किसी एक का magnitude QE, into उनके बीच की perpendicular distance,
अब मैंने दोनों फोर्स हैं ये एक इस लाइन पे एक इस लाइन पे उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली डी, तो टाउ इज इक्वल टू मेरे पास बन गया क्यू ई इन टू डी। डी क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस ट्रायंगल से नाम दे लेता हूं इसको कुछ भी ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी मुझे क्या निकालनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो साइन थीटा का यूज करो, क्या होगा साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डी अपॉन टू ए, और डी मेरे पास क्या बन गया? टू ए साइन थीटा। टाउ क्यू ई इंटू डी की जगह टू ए साइन थीटा। मैंने हर लेक्चर में जनरली आपको एक बात बताई, जब भी डाइपोल की बात होगी तो डाइपोल में डाइपोल मोमेंट तो होगी, क्यू इंटू टू ए क्या बोलेंगे? पी ई साइन थीटा, क्यू इंटू टू ए पी। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, देखो अगर टोरक पूछा जाए तो यही तक लिखो, कुछ बच्चे वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं बाद में और वेक्टर फॉर्म गलत कर देते। नहीं, अगर वेक्टर फॉर्म तो फिर एप्रोप्रिएट लिखो। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच साइन एंगल है तो कौन सी प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट, पी क्रॉस ई। और कैसी प्रोडक्ट है ये? वेक्टर। तो टोरक के ऊपर भी वेक्टर का साइन लगेगा, टोरक एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट? टोरक कैसी क्वांटिटी? वेक्टर, एसआई यूनिट। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का मतलब क्या होता है? न्यूटन, डिस्टेंस का मतलब मीटर। ये टोरक है, पी साइन थीटा। अच्छा, टोर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा क्या होता है? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो टाउ मैक्सिमम क्या बन गया? पीई, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1। टाउ 0 जब थीटा कितना होगा? 0 और 180 डिग्री, राइट? क्योंकि टोर्क साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 0, साइन 180 0। तो ये है हमारे पास टोर्क ड्यू टू डाइपोल वेल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे बहुत अच्छी बात आती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन टोर्क में। बड़ा आसान सा टॉपिक है, नेट फोर्स 0 लगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में तो 0 नहीं लगता, राइट? सिंपल, दोनों फोर्स है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसी में अब टोरक 0 बना, कंडीशन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है टोरक क्या है? 0। अब दो कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फॉर अनस्टेबल, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात ही आ गई, 0 पे भी टोरक 0 है, 180 पे भी 0 है, तो इक्विलिब्रियम में स्टेबल अनस्टेबल समझ में बात नहीं है। क्या मतलब है इसका? 0 डिग्री का एंगल तब बनता जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर मैंने रख दी ये डाइपोल, तो डाइपोल का डायरेक्शन भी इधर जाना चाहिए, तभी तो 0 डिग्री का एंगल होगा। और डाइपोल का डायरेक्शन होता नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। एक सिंपल सी बात, ये डाइपोल है, ये डाइपोल का नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे अट्रैक्ट कर लिया, कैसे मुकरा तो नहीं गिरेगी, क्यों? इसने इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, स्टेबल बन गया, थोड़ा बहुत हिल भी जाएगा
ये पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ और इसने इसको, तो ये गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। अगर अनस्टेबल की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन वही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। डाइपोल का उल्टा डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो डाइपोल का डायरेक्शन होता नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ, तो रिपेल कर दिया पॉजिटिव ने पॉजिटिव को, नेगेटिव ने नेगेटिव को। जैसे अब ऐसे, पहले तो ऐसे अट्रैक्ट किया, अब रिपेल, और ऐसा करने से कसम होगा तो नीचे गिर जाएगा लाइक दिस। तो इससे अगर हल्का सा ये इसको प्रेस करेगा, ये इसको प्रेस करेगा, जैसे अब ऐसा घूम जाएगा और ऐसा करने से नहीं गिर सकता। तो ये है इसकी स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और साथ में एक दिन एक लेक्चर बनाऊंगा बीच बीच में, तो टोटली न्यूमेरिकल, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, थैंक यू।